जनपद के राजघाट थाना अंतर्गत टीपी नगर चौकी पुलिस और नगर निगम के प्रवर्तन दल को उस समय कामयाबी मिली जब उसके एक ट्रक पर लदे 84 बोरे अवैध पॉलीथीन को अपने कब्जे में कर लिया। सूचना पाते ही नगर निगम के प्रवर्तन दल के प्रभारी कर्नल सीपी सिंह भी पहुंचे और उन्होंने बाकायदा जांच करके बताया कि यह सभी पॉलीथीन पूरी तरह से प्रतिबंधित और अवैध हैं, जिसके संबंध में सिटी मजिस्ट्रेट अंजनी कुमार सिंह ने बताया कि पुलिस और प्रवर्तन दल की संयुक्त कार्यवाही में अवैध पॉलीथीन के एक बड़े जखीरे को पकड़ा गया है। यह पॉलीथीन ट्रक में लादकर गाजियाबाद से गोरखपुर की ओर आया था, जिसे पुलिस ने पकड़ लिया। कानूनी प्रक्रिया और जब्तीकरण की कार्रवाई थाना राजघाट में पूरी की गई। इस अवसर पर नगर निगम के प्रवर्तन दल के प्रभारी कर्नल सीपी सिंह, राजघाट थाना प्रभारी संजय कुमार मिश्रा, संजय गुप्ता, टीपी नगर चौकी इंचार्ज अनूप कुमार मिश्रा सहित अन्य लोग मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सिटी मजिस्ट्रेट अंजनी कुमार सिंह ने कहा, गाड़ी आ रहा है सर। 16 आदमी इसमें है, उसके पोल्यूशन बोर्ड है, मेन तो पोल्यूशन बोर्ड है, वो भी पोल्यूशन बोर्ड भी उसके नहीं है, एक है होने के तो नया पिछला सीधा रोड वन विभाग वाले। हाँ हाँ ऐसी ये नगर निगम की प्रतिबंधित पॉलीथीन सूचना है जिसमें कि हम लोग के पास खड़ा हुआ है, ऐसा कि मतलब बताया जा रहा है कि लगभग 84 बैग उसमें और अनुमानित मात्रा जो है 21 क्विंटल के अराउंड प्लास्टिक बैग है। हम लोग मतलब कि जोनल अधिकारी का इंतजार कर रहे हैं, चूँकि एक्ट में उन्हीं को पावर दिया गया है कि वो आएंगे और मतलब जब्तीकरण की कार्रवाई करके आगे जो जुर्माना लगाना है उसमें मतलब विचार किया जाएगा। ये ट्रक जो प्लास्टिक बैग है उसे सीज करके विनिष्टीकरण के लिए भेजा जाएगा। ये सब चीज़ें तो है कि ऐसे सुनने में आ रहा है कि गाजियाबाद से चीज़ें आ रही हैं, पर ये चीज़ें हैं कि जाँच का विषय है और मेन है कि इसमें जो हम लोग जहाँ पे मतलब कि सोर्स है उसके न करके जहाँ पे हमें ये मिल रहा है तो वहाँ पे हम इसको लेके मतलब कि मार्केट में फैलने नहीं देंगे, तो उससे जो चीज़ें हैं पोल्यूशन कंट्रोल करने की जो स्थिति है उसे हम लोग पूरे तरीके से भरसक प्रयास कर रहे हैं।